अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाहिद खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ का डीपी प्रोफाइल फ़ोटो फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी पीटीआई का एक ऐसा फ़ोटो फ्रेम जिसमें आप अपनी तस्वीर इमरान खान की तस्वीर के साथ एड करके एक प्रोफेशनल पीटीआई का फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं और उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और पीटीआई को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी पीटीआई तहरीक इंसाफ का डीपी प्रोफाइल फोटो फ्रेम बनाना चाहते हैं, यानी पीटीआई का जो पोस्टर डिज़ाइन है वो क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप इमरान खान के फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो लगाकर अपना एक प्रोफेशनल फ्रेम बनाना चाहते हैं और उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं और पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान के फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो लगाकर उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और पीटीआई यानी इमरान खान को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपने कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। इसका तरीका मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे डाउनलोड कर लेना है। मैं जो कि ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूं, मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूं। जब आप फर्स्टली इस ऐप को ओपन कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो पहले वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर बहुत सारे पी टी आई के जो फ्रेम है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ से आप अपनी मर्जी का फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर एक कैमरे वाला ऑप्शन आपको मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप कैमरे से पिक्चर कैप्चर करना चाहते हो तो डायरेक्टली कैमरे से भी ले सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल की गैलरी से लेना चाहते हो तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं चूँकि मोबाइल की गैलरी से सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल की गैलरी शो हो जाएगी। यहाँ से आप अपने मोबाइल की गैलरी से कोई भी अपनी मर्जी का जो फ़ोटो है वो आप यहाँ से ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ईजी तरीका है, आप भी इसी तरह जो है ना अपनी मर्ज़ी का फ़ोटो जो है वो पीटीआई का जो फ़ोटो फ्रेम है उसमें आप ऐड कर सकते हैं और उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना इसकी सेटिंग करनी है। जब आप कम्प्लीटली इसको सेट कर लोगे तो इस तरह प्रोफेशनल जो है ना डीपी प्रोफाइल पीटीआई का यानी डीपी प्रोफाइल फ़ोटो फ्रेम यहाँ पर जो है ना ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा तो यहाँ से आप इसको लेफ्ट या राइट भी कर सकते हो। उसके बाद जब ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा तो उसके बाद आपने टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ से आप इसके साथ कोई स्टिकर वगैरह अगर लगाना चाहें तो यहाँ से आप इजीली लगा सकते हैं। मैंने चूँकि नहीं लगाना है, मैं बैग जाता हूँ और टिक मार्क के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो इस तरह का प्रोफेशनल पी टी आई का डी पी प्रोफाइल फ़ोटो फ्रेम आपके सामने इस तरह जो है ना बन जाएगा। तो आपने दोबारा टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर वाले पर आपने जाना है और इसको आप फेसबुक, व्हाट्सएप यानी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ आप इजीली शेयर कर सकते हो। तो बहुत इजी तरीके, आप भी इसी तरह जो है ना पीटीआई तहरीक इंसाफ का डीपी प्रोफाइल फ़ोटो फ्रेम बना सकते हो, यानी एक डिजिटल पोस्टर बना सकते हो पीटीआई का जिसमें आप इमरान खान की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर ऐड करके उसको जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और पीटीआई को सपोर्ट कर सकते हो, यानी इमरान खान को सपोर्ट कर सकते हो। तो अब बात रही कि आपने इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों आपने चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर सर्च करना है तहरीक इंसाफ डीपी प्रोफाइल फ़ोटो फ्रेम। जब आप इसको सर्च कर लोगे तो जो टॉप पे आपके सामने ये ऐप शो होगी। इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है, बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है। मैं खुद भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का डीपी प्रोफाइल फ़ोटो फ्रेम बनाना चाहते हैं तो इस ऐप को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसका डाउनलोड भी देख सकते हैं, इसके रेटिंग देख सकते हैं और इसके रिव्यू भी देख सकते हैं। बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत बेस्ट तरीके से आप तहरीक इंसाफ का डीपी प्रोफाइल फ़ोटो फ्रेम आप इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।